क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर धर्मपेट इलाके में कैफे क्लब पर छापा मारा। वहां पर हुक्का पार्लर चल रहा था। पुलिस ने राजनगर निवासी रविपाल सिंह, जगजीत सिंह गांधी और इंदौरा चौक निवासी समीर प्रहलाद शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच का दस्ता मंगलवार की रात को संबंधित इलाके में गश्त पर था। इस बीच पता चला कि लाहौरी बार के पीछे कैफे क्लब 24/7 में एक हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है। केवल रात के 9 बजे तक शुरू रखने की अनुमति होने के बावजूद हुक्का ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापा मारा और ग्राहकों को हुक्का पीते हुए पाया। पुलिस ने हुक्के के 4 बर्तन समेत कुल मिलाकर 5,039 रुपयों का सामान जब्त किया है। इस कार्रवाई में DIG सुनील फुलारी, DCP गजानन राजमाने और SCP सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर भानुदास पिदूरकर और अन्य पुलिस टीम ने मिलकर यह कार्रवाई की है। हद्दी मध्ये आम्ही काल पेट्रोलिंग करीत होतो, त्यामध्ये आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली की धरमपेठ हद्दीतील लाहोरी बार आहे त्याच्या मागे दी कॉफी शॉप कॉफी क्लब नावाचे हुक्का पार्लर आहेत आणि त्याच्यामध्ये काही ग्राहक घेऊन समीर शर्मा हा हुक्का पार्लरचा व्यवसाय त्याचा चालू आहेत अशी माहिती मिळाल्याने आम्ही आमच्या युनिटचे API प्रत्येकी आणि इतर कर्मचारी यांच्या साथीने 50 धाड टाकली, रेड केला। त्यामध्ये आम्हाला हुक्का चालू असल्याचे निदर्शनास आले। त्यामध्ये तंबाखूजन्य पदार्थ असल्याने हुक्का पार्लरचे मालक समीर शर्मा आणि त्यांचा मॅनेजर रविपाल सिंग गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास त्यांना पोलीस स्टेशन बर्डी येथे पाठवण्यात आले, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोब्रागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपूर।